सुन तू मिल एक बार अर्नव, तेरे को फिर बताता हूँ मैं, तू मिलना एक बार। हाँ, बताऊंगा तुझे, कोई नहीं कोई नहीं, तो एक एक बार तू बिल्कुल मिल। और आज मैं उनको देने वाला हूँ करारा सा जवाब। तो उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है सबका। मेरा नाम है अर्नव नेहरिया। मुझे पता है मैक्सिमम लोग मेरा नाम भी भूल गए होंगे, क्योंकि इतने टाइम से अनएक्टिव था अपने यूट्यूब चैनल में। महीने में क्या, दो महीने में एक ब्लॉग डाला था, और लास्ट ब्लॉग मेरे को लगता है दो महीने पहले डाला हुआ था। और इसी गलती के कारण मेरे चैनल की जो रीच है ना, पूरी डेड हो चुकी है। पहले के टाइम बहुत अच्छे व्यूज़ आते थे, और मेरे को लगता नहीं इस ब्लॉग में 5,000 व्यूज़ भी आएंगे। तो खैर छोड़ी दोस्तों, कुछ पर्सनल रीजंस के कारण मैं ब्लॉग्स नहीं डाल पा रहा था। वो मैं आपको बाद में बता ही दूंगा अपने ब्लॉग्स के जरिए कि क्या रीजंस थे। मतलब बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा था, डिप्रेशन था, जिसके कारण मेरे ब्लॉग्स ज़रा से भी नहीं आ पा रहे थे। तो आज भाई है महाशिवरात्रि, तो मैंने सोचा आज के दिन अपना मतलब कम बैक करते, अपने ब्लॉग्स की शुरुआत करते। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका टाइम वेस्ट किए आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो आज मौसम देखिए भाई कितना ज़्यादा अच्छा, मतलब इतनी अच्छी धूप आई हुई है। ये भाई अपना गाँव, और अब भी ये लड़के जा रहे हैं भाई जंगलों की साइड अपनी गायों को लेके। तो ये हमारा घर, और घर के बिल्कुल बाहर है हमारा शिव मंदिर, जो कि मतलब हमारी दादी जी ने बनाया था। दादी जी की डेथ को तो 5 साल हो गए, और ताऊ जी मेरे को बोल रहे थे, हाँ जी क्या हो गया क्या हो गया। ताऊ मेरे को वीडियो मत बना। ताऊ जी यहाँ सफाई कर रहे हैं, और थोड़ी देर में ना यहाँ हवन होने वाला है। देखो भाई यहाँ थोड़ी देर में हवन होगा, जो आपको ये दिख रहा है। पंडित जी थोड़ी देर में आने वाले हैं, यहाँ मेरे बड़े ताऊ जी है। ताऊ जी कितनी देर में आ जाएंगे पंडित जी? हाँ 15 मिनट में यहाँ हवन होगा। और ये मेरी बुआ, बुआ हेलो कर दो। तो आपको आगे से मंदिर दिखाता हूँ। यहाँ हैप्पी भी बड़ी स्माइल कर रही है। हैप्पी भी क्या हो गया? हैप्पी शिवरात्रि। तो यहाँ ताऊ जी ने रख दिया है पूजा का सामान। ये देखिए ये है पूजा का सामान, ये है हवन, और आगे की साइड लकड़ियाँ हैं जो कि हवन में यूज होगी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं किचन में, जहाँ की अथर्व की ड्यूटी लगा दी है मम्मी और पापा ने, कि भांग बनाने की इसकी ड्यूटी लगाई हुई है, क्योंकि हमारे घर में सबसे टेस्टी खाना अथर्व बनाता है। तो देखते हैं आज भांग बना पाता है कि नहीं। अथर्व तूने इससे पहले बनाई कभी? सच बोलना। नहीं तो अभी कौन सा पेस्ट डाला तूने इसमें? हाँ किसका पेस्ट है ये? केले के ब्लेंड बनाया, उसका पेस्ट है। तो ये जो भांग है ये हमारे घर में लगी हुई है, देख सकते हो। ये अभी तोड़ के लाया अथर्व, फ्रेश फ्रेश है। तो इसकी तो ये जो ड्राई फ्रूट्स रखे हैं इनको सबसे पहले भी हम ग्राइंड करेंगे, उसके बाद डालेंगे इसको भांग में। जय श्री राम दोस्तों। तो शिवरात्रि का फंक्शन हो चुका है, तो इस समय मैं अपने रूम में आ चुका हूँ, क्योंकि अब मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं करना है। अब मैंने आप सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बनना, क्योंकि मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है अपनी वीडियोज़ में। बेशक वो पॉलिटिकल हो जाए, या साथ ही साथ मेरे मतलब पर्सनल लाइफ से रिगार्डिंग हो जाए, या हिमाचल वाला, या हिमाचली क्रिएटर से रिगार्डिंग। तो मैं सारे टॉपिक से रिगार्डिंग बात करूंगा आज की वीडियो में। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी, इतने टाइम से मैं क्यों नहीं वीडियो अपलोड कर पा रहा था। तो सबसे पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं एक लड़के की। एक लड़का था जो स्कूल टाइम में मतलब अपनी वीडियोस बनाता था, शॉर्ट वीडियोस, तो काफ़ी ज़्यादा उसको डिफेम मिलता था स्कूल टाइम में। फिर धीरे धीरे करके कोरोना आ गया, तो वो थोड़ा सा पॉपुलर हुआ अपनी शॉर्ट वीडियोस बनाने के बाद। वो ऐप था वो डीएक्टिवेट हो गया परमानेंटली। उसके बाद उसने फोकस किया यूट्यूब चैनल में, तो उसका 5वां यूट्यूब चैनल जाके चला। पहले उसने वीडियोस बनाई, डांसिंग वीडियोस होगी, मतलब थोड़ी थोड़ी मीम्स वीडियोस होगी। तो स्टार्टिंग में वैसी वैसी वीडियोस बनाने उस लड़के ने स्टार्ट कर दिया, लेकिन उतनी ज़्यादा हाइप नहीं आई। फिर जाके उसने 5वां अपना यूट्यूब चैनल बनाया, जो कि ब्लॉगिंग चैनल बनाया। तो 2021 में उसका चैनल शुरू होने लग पड़ा, मतलब अच्छी रीच आने लग पड़ी, जब उसको थोड़ी सी हाइप मिली एक क्रिएटर की तरफ से, तो वो थोड़ा सा पॉपुलर हो गया। फिर उसके बाद छुट्टियों में उसने मतलब और ब्लॉग्स बनाए, और मतलब फेम इकट्ठा किया, और धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। फिर वो फर्स्ट ईयर में कॉलेज में गया, जब उसकी स्कूलिंग कंप्लीट हुई तो वो कॉलेज में गया। तो कॉलेज में जब वो गया तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था, मतलब कॉलेज के स्टूडेंट्स में, क्योंकि वो पहले से काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका था अपने ब्लॉगिंग के थ्रू। लोग उसको जानने लग पड़े थे इतने कम एज में। तो कॉलेज गया तो काफ़ी ज़्यादा लोग उसके साथ घूमने लग पड़े। एक हफ्ते में ही उसके साथ 15-15, 20-20, 25-25 लड़के साथ में घूमते थे। पर धीरे धीरे करके सबके रंग दिखने लग पड़े, और कॉलेज में ऑलरेडी क्रिएटर्स थे, बेशक वो यूट्यूबर्स हो गए या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो गए उससे पहले के, जिनकी इतनी ज़्यादा रीच नहीं थी, लेकिन वो भाई मतलब इतना ज़्यादा अंदर से जेलिसी फील करने लग पड़े कि ये बंदा कहाँ आ गया हमारी जगह। कॉलेज में तो हम पॉपुलर थे, बट ये बंदा कहाँ आ गया। तो उन्होंने उसकी टांग खींचनी शुरू कर दी, उसके बारे में बातें करनी शुरू कर दी, लेकिन वो फिर भी रिस्पेक्ट करता था कि एज अ क्रिएटर
आई रिस्पेक्ट यू कि तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो, उनसे सीख रहा था वो, लेकिन वो फिर भी पीठ पीछे लोगों के सामने उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें करने लग पड़े। तो ये बात वो उसको पता थी लेकिन वो फिर भी इग्नोर करता था। मतलब फेस टू फेस वो बहुत अच्छे से बात कर लेगा लेकिन पीठ पीछे वो बंदे उनके बारे में इतना कुछ बोल लेंगे। फिर धीरे धीरे करके सेकंड ईयर जब शुरू हुआ तो उसने जितने भी उसके साथ दोस्त थे जो कि सांप की तरह प्रिटेंड करते थे, तो उनके साथ उसने मतलब दोस्ती भी छोड़ दी। और अब कॉलेज में 5-6 दोस्त रखे हुए हैं जो कि गिने चुने दोस्त रखे हुए हैं जिनके साथ वो कॉलेज जाता है, कभी कभी बातें कर लेता है, क्योंकि दोगलापन उसके साथ इतना हुआ लाइफ में ना। और अपने आलस के कारण उसने अपना यूट्यूब चैनल भी डेड कर दिया। क्योंकि यार एक सच बात बताऊँ, मैं अपने बारे में बात बता रहा था ये सारी, मेरा YouTube चैनल काफ़ी अच्छा चला हुआ था पिछले साल। मेरे YouTube चैनल में इतनी अच्छी रीच थी, मतलब पर ब्लॉग्स में मेरे को 50-50, 60-60 हज़ार व्यूज़ आते थे और मेरे सब्सक्राइबर्स भी तब इतने नहीं थे, लाइक 20,000 या 25,000 सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन मेरे को मतलब मेरे YouTube चैनल में व्यूज़ आते थे 50-50, 60-60,000। लेकिन जो मेरा आलस होता है ना भाई, बोलते रहे इंसान को सबसे ज़्यादा मतलब उसका आलस मराता है, तो मैंने आलस किया भाई, एक एक महीने में वीडियो डालनी या कभी कभी दो दो महीने में वीडियो डालनी, तो उसके कारण मेरे चैनल की रीच डेड होगी। अब मुश्किल से अगर व्यूज़ आते भी है तो कहीं कभी 10,000 आ जाएगी, कभी 15,000 आ जाएगी, कभी रेयरली मेरी कोई वीडियो वायरल होगी। तो मैंने अपने आलस के कारण अपनी यूट्यूब चैनल को डेड किया और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम ऐसी चल पड़ी थी। मैंने आपको बताया था कि पिछले साल उसका चैनल इतना अच्छा चलता था कि उसने कुछ दोगलों के ऊपर ऐसा विश्वास कर दिया था कि अपने यूट्यूब चैनल की आईडी और पासवर्ड बता दिया था अपने दोस्तों को। तो उन दोस्तों ने उसके आईडी को हैक करने की कोशिश की, लगभग एक महीने से वो अपने यूट्यूब चैनल में वर्क नहीं कर पाया, जिसके कारण उसके चैनल की रीच डेड हो गई भाई उस लड़के की। ये मैं अपने बारे में ही बता रहा हूँ सारी बातें, क्या क्या मेरे साथ हुआ था। और साथ ही साथ आज मैं आप सबके सामने एक बात और क्लियर करूँगा, मैंने कुछ टाइम से अपने इंस्टाग्राम में काफ़ी फोकस करता हूँ एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब चैनल। तो इंस्टाग्राम में काफ़ी ज़्यादा मतलब रीच है, मैं मुद्दे उठाता हूँ इंस्टाग्राम में, बहुत ही बड़े बड़े मुद्दे, बेशक वो सोशल इशू हो गए पहाड़ी कल्चर से रिगार्डिंग या हिंदू कल्चर से रिगार्डिंग, और पॉलिटिकल लोग उसको पॉलिटिकल रूप से देखते हैं, बट पॉलिटिक्स से मैं दूर ही हूँ। मैं कोई पॉलिटिकल मतलब मुद्दे नहीं उठाता हूँ अपनी वीडियोज़ में, कोई भी मतलब पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ। आप सबको पता है, मतलब मैक्सिमम लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ, मेरे जो बड़े भैया है वो है धर्मशाला के पूर्व MLA, तो लोग मेरे को उस तरीके से देखते हैं कि ये भी पॉलिटिक्स में आने के लिए करता है, लेकिन मैं कुछ भी ऐसा काम नहीं करता। जो भी सोशल काम करूंगा तो लोग पॉलिटिक्स के जरिए से देखेंगे, लेकिन मैं सोशल वर्क इसलिए करता हूं क्योंकि यार मेरे को काफ़ी टाइम से इंटरेस्ट था। अभी के टाइम में वर्क कर रहा हूं एज अ प्रेजिडेंट नव भारत युवा संघ का, मतलब जितने भी सोशल मुद्दे हैं, लोगों की मदद करनी, मतलब सोशली जाके मदद करनी, वो कर रहा हूं। और साथ ही साथ अपनी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन है, श्री राम ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको भी चला रहा हूं, जहां कि हम हर महीने एक बार क्लीनिंग ड्राइव करते हैं, स्लम्स में जाके बच्चों को एजुकेशन देते हैं, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये मैंने काफ़ी कम इससे मतलब सीखा है, खुद अपने बड़े भैया से सीखा है, झूठ क्या बोलना, तो उनसे सीखा है। लेकिन कोई मैं पॉलिटिक्स में आने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मेरे को भाई पॉलिटिक्स में जाना है, मेरे को कुछ मतलब नहीं उससे। कुछ टाइम से मैं अपने वीडियोज़ में मतलब हिमाचली जो क्रिएटर्स थे, पहाड़ी क्रिएटर्स जो थे, उनके अगेंस्ट वीडियोस डाली थी मैंने कुछ टाइम से, तो काफ़ी ज़्यादा मेरे से नाराज़ हुए वही क्रिएटर्स। भाई मैं एक सीधे ही बात बताता हूँ, जो बंदे अपने कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं करते, जो बंदे अपने पहाड़ी कल्चर को मतलब अच्छे से दिखाते नहीं, जो देवी देवताओं की रिस्पेक्ट नहीं करते, वो मतलब किस तरीके से अपने हिमाचल को रिप्रेजेंट करेंगे। आज के टाइम में हिमाचली क्रिएटर्स की जो इमेज बनी हुई है ना बाहर के लोगों के सामने, आप खुद बता दो, इंडिया में इतनी स्टेट्स है, हर स्टेट का एक यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर इतने टॉप में पहुंचा हुआ, लेकिन हमारे हिमाचली क्रिएटर्स एकदम डाउन में क्यों है? बेशक वो उत्तराखंड के क्रिएटर्स भी देख लो, UK07 हो गए और भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स, भाई सबसे टॉप में चले हुए इंडिया के लेवल में, लेकिन हिमाचली क्रिएटर्स की बात जब आती है सबसे डाउन में हिमाचली क्रिएटर चले हुए हैं, क्योंकि यहां के बंदे खुद से एक दूसरे से जलिसी करते हैं और व्यूज के नाम में डालेंगे गंदगी। आप सबको पता होगा हिमाचली क्रिएटर्स अपनी वीडियोस में गालियों का प्रयोग करते हैं, जो जो पॉपुलर है, मैं नाम नहीं लूंगा, जो बड़े बड़े क्रिएटर्स बैठे हुए हैं इन्फ्लुएंसर्स, तो अपनी वीडियोस में ना मतलब वो दिखा देंगे कि यहां तो चरस ये मिलता है, गांजा मिलता है, बीड़ी मिलती है, अपने गानों से लेकर अपनी वीडियोस में सिर्फ इसको प्रमोट करोगे, गालियों को प्रमोट करोगे, फिर बाहर के लोग क्या सोचेंगे कि हमारा हिमाचली कल्चर क्या है? जो बाहर के लोग जो हिमाचल को जानते नहीं होंगे, जिनको रियलिटी नहीं पता, हिमाचल की रियलिटी ये नहीं है, भांग चरस नहीं है, हिमाचल की रियलिटी ये है, हिमाचल को इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ देवी देवता निवास करते हैं, इसके कल्चर को और इसके ट्रेडिशन को देखा जाता है, लेकिन इन लोगों के कारण हिमाचल की इमेज बहुत ज़्यादा खराब हुई है। अभी ट्विटर में इन लोगों के कारण काफ़ी ज़्यादा विरोध बन रहा है, हिमाचल की जो इमेज है काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई, तो मैंने इसके अगेंस्ट एक वीडियो डाली, क्योंकि भाई किसी ने भी अभी तक हिमाचली कोई भी ऐसे इन्फ्लुएंसर नहीं था जिसके इनके अगेंस्ट कोई वीडियो डाली थी, तो मैं पहला क्रिएटर था। बाकी क्या बात बोलूँ इन क्रिएटर्स के बारे में, क्योंकि जो अच्छे क्रिएटर्स हैं ना हमारे हिमाचल में, जो इतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो लोग जनता खुद अंधी है, उनको इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं दे रही। भाई कितने क्रिएटर्स बैठे हमारे हिमाचल में जो इतने अच्छे तरीके से अपने कल्चर को दिखा रहे हैं, लेकिन इन जैसे घटिया बंदों को जो अपनी वीडियोस में चरस गांजा गालियों को प्रमोट करते हैं, बस उनको व्यूज आते हैं जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। तुम अपने हिमाचली कल्चर, अपने ट्रेडिशन को कितना ज़्यादा घटिया तरीके से दिखा रहे हो, कभी सोचा है तुमने? कभी सोचा है लोगों के सामने क्या इमेज बनेगी हमारे हिमाचल की?
और कुछ टाइम पहले एक बहुत बड़ा क्रिएटर भी आया हुआ था हिमाचल प्रदेश में, तो उसका नाम तो मैं बोल ही देता हूँ, उसका नाम है थारा भाई जुगिंदर। तो वो आया हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में नहीं आया था, वो आया था उत्तराखंड में, अब पहाड़ों में आया वो, और वहां जाके बोल रहा है कि तो पहाड़ पे लोग रहते हैं ना उनका जीवन कितना गंदा होता है, कि पहाड़ियों की जिंदगी बहुत ज्यादा गंदी होती है। भाई तुझे क्या पता पहाड़ियों की जिंदगी कैसी होती है, कभी रहा भी है तू पहाड़ों में? आई रिस्पेक्ट योर कल्चर, तू हरियाणा से बिलोंग करता है, हरियाणवी काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, उनका कल्चर काफी अच्छा होता है, लेकिन तू किसी की स्टेट में आके उनके बारे में इतना गंदा बोल रहा है, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में इतना गंदा बोल रहा है, तेरी मतलब हिम्मत क्या है? बोलते हैं ना थारा भाई जोगिंदर का दिमाग यहाँ नहीं, यहाँ है, मतलब इतना ज्यादा फेक भी नहीं बनना यार किसी, कभी कभी रोना भी तो फेक तरीके से रोना, मतलब पहाड़ी मेरे को कभी, मतलब मेरे को कभी गुस्सा नहीं चढ़ा इसकी वीडियोस देख के, लेकिन जब इसने ये बातें बोली ना हिमाचली लाइफस्टाइल के बारे में कि हिमाचल के लोग बड़े गरीब होते हैं, ये होते हैं, भाई इसको क्या पता हिमाचली लोग गरीब होते कि नहीं होते है? इसको एक चीज बोल दो, अगर यहाँ ना ये एक जमीन भी खरीदेगा ना तो इसका पूरा घर बिक जाएगा, इन जिसके बारे में बोल रहा है ना, जिस तरीके से वीडियोस में बोल रहा था। तो मैंने ये वीडियो भी बनाई और काफी ज्यादा विवाद हुआ इससे रिगार्डिंग भी, मतलब काफी लोगों ने मतलब विवाद किया कि भाई तू क्यों थारा भाई जोगिंदर को बोल रहा है, वो तो हमारा हिमाचली कल्चर को प्रमोट कर रहा है। भाई किस तरीके से प्रमोट कर रहा है, हमारे कल्चर को इस तरह गंदे तरीके से दिखा रहा है कि भाई यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल कितना गंदा होता है, हमारा लाइफस्टाइल के गंदा होता है, सच बताना एज ए पहाड़ी हमारा क्या लाइफस्टाइल सच में गंदा होता है, इस तरीके से बोल रहा था। बेशक वो इंटीरियर इलाके से भी होता है, भाई हमारा लाइफस्टाइल इतना गंदा नहीं होता, हम देवभूमि में निवास करते हैं, लोग मरते हैं भाई ऐसी जगह के लिए, तरसते हैं ऐसी जगह में रहने के लिए, स्वर्ग है भाई हमारी देवभूमि, और ऐसी बात हुई। पर खैर छोड़ो, तो और साथ ही साथ एक लड़का था कुछ टाइम पहले, उसने मतलब मेरे को काफ़ी टाइम से कमेंट्स आ रहे थे मेरे इंस्टाग्राम में और मतलब यूट्यूब में डीएम्स आ रहे थे कि अर्नब भाई आप क्या मतलब हिमाचल वाले और आपकी क्या कंट्रोवर्सी हुई है, कुछ लड़ाई हुई है इतने महीने से, मतलब 6-7 महीने, मैं भी मानता हूँ 6-7 या 8 महीने हो गए मैंने हिमाचल वाले को अपने ब्लॉग्स में नहीं लिया है, ना ही अपनी स्टोरीज में कभी मैंशन किया है, ना ही कभी अपनी वीडियोज़ में कभी मैंशन किया। अब एक इंसान ऐसा है जिन्होंने भाई मेरे को ग्रो किया, और वक्त आने में मैंने उनके मतलब रिगार्डिंग कोई वीडियो नहीं डाली, ना उनको बुरा टाइम था, ना उनको कभी सपोर्ट किया, तो ये काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते रहते लोगों के खिलाफ, मतलब लोग काफ़ी सोचते हैं कि मेरी और हिमाचल वाले की कोई लड़ाई चल रही है। तो मैं आप सबके सामने क्लियर करूंगा भाई हिमाचल वाला और मेरी कोई भी लड़ाई नहीं चल रही है, मतलब मैं अपना बिजी चल रहा हूँ, वो अपने बिजी चल रहे हैं, लेकिन हम दोनों साथ में वर्क कर रहे हैं एक प्रोडक्ट से रिगार्डिंग, जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। आप सबको पता होगा हिमाचल वाला अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहा है अपने वीडियो के जरिए, तो मैंने भी उन मतलब प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया है, लेकिन कुछ ऐसे यूट्यूबर्स थे ना, तो उनकी सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। थोड़े बहुत खेत है उसके पास, उगाता नहीं है कुछ भी, सिंपल बाजार से लेता है और उसी को ऑर्गेनिक बेच देता है, झूठ बोल के बेच रहा है। अब छपरी जैसा चश्मा पहन के भाई तुम वीडियो में आके ऐसी सी चीजें बोलोगे कि भाई ये अपना फायदा उठा रहा है, अपने प्रोडक्ट्स को बिका रहा है, मतलब इसके इतने ज्यादा खेत नहीं है। मैं आप सबको एक बात बताता, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, मतलब पहाड़ों के इंटीरियर इलाकों में जहाँ ऑर्गेनिक तरीके से खेती की जाती है। अभी हिमाचल वाले के ये बंदा बोल रहा है हिमाचल वाले के इतने ज्यादा खेत नहीं है, ये कहाँ से ला रहे हैं, तो बाजार से खरीद रहा है। भाई ये बाजार से नहीं खरीद रहा है, आपको इस मतलब नहीं समझाया हिमाचल वाला डॉट इन का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, जो हमारे पहाड़ी किसान है ना, जिनको अपना हक नहीं मिल पाता है, जो मतलब बाहर से जब कोई व्यापारी आता है पहाड़ों में, मतलब उनका सामान खरीदने, तो उनको काफ़ी सस्ते रेट में, मतलब 30% रेट में वो खरीद लेते हैं, और वहाँ जाके शहरों में 100-100% के मतलब रेट में खरीद लेते हैं, तो उनकी सिर्फ रोजी रोटी चलती है। तो वो अपने गांव के लोगों के जो फार्मर्स है, गांव के जो फार्मर्स हैं उनको प्रमोट कर रहा है, उनके सामान को बेच रहा है ऑनलाइन तरीके से, ताकि उन फार्मर्स को उनका असली हक मिल सके। लेकिन ऐसे ऐसे घटिया बंदे होते हैं जो जेलसी करते हैं, जो अपने घर में बैठ के छपरी जैसा चश्मा पहन के ऐसे वीडियोज़ बोल देंगे, क्या बोलूँ भाई इन बंदों के बारे में मैं। और रही बात मैं हिमाचल वालों को क्यों नहीं लेता हूँ अपनी वीडियोस में, आप सबको पता होगा भाई हिमाचल वाले ने पूरे टाइम में मेरी कितनी मदद की थी जब मेरा चैनल नहीं चढ़ता था, तो मैंने 1 साल तक उनको अपने चैनल में लिया, 1 साल तक अपनी वीडियोस में दिखाए और व्यूज़ गेन किए, और ऐसा जरिया था भाई जब भी मैं उनको वीडियो में लेता तो काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आते थे। तो लोगों ने मेरे को इस तरीके से बोलने लग पड़ा कि भाई खुद के दम पे व्यूज़ ले, खुद की फेस वैल्यू बना हिमाचल वाले के दम पे, क्यों वीडियोज़ बना रहा है उसके दम पे, क्यों मतलब उड़ता है उसके दम पे, क्यों व्यूज़ बना मतलब व्यूज़ ले रहा और अपनी फेस वैल्यू बना रहे हैं। तो इसलिए भाई मैंने उनको वीडियोज़ में लेना छोड़ दिया, ताकि मैं अपनी खुद की इमेज बना सकूँ लोगों के सामने, जो लोगों ने मेरे को कमेंट करते थे तो उनको दिखा सकूँ कि भाई मैंने खुद की मतलब खुद के दम पे भी अपनी फेस वैल्यू बनाई है हिमाचल में। और मैं लिटरली एक प्राउडली बोलूँ, मैंने बेशक यूट्यूब से नहीं बनाई अपनी फेस वैल्यू, लेकिन इंस्टाग्राम से मैंने मतलब अपनी फेस वैल्यू बनाई है। जब भी लोगों के पास जाता हूँ तो लोग मेरे को जानने लग पड़ते हैं भाई, पहचानते हैं, मेरे साथ फोटोज़ खिंचाते हैं, और मैं लिटरली प्राउड करता हूँ अपनी खुद की मेहनत से। लगभग 1 साल में मैंने इंस्टाग्राम से मतलब अपनी फेस वैल्यू बनाई है। बाकी जो भी मैं अपने पॉलिटिकल वीडियोज़ डालता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में या इंस्टाग्राम में, तो लोग बोलते हैं भाई बड़ा पॉलिटिक्स कर रहा है, लेकिन मैं पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ, मैं अपनी वीडियोज़ के जरिए अपने भाई को प्रमोट करता हूँ, एक ऐसा भाई जिसने मेरे को मतलब एक मतलब जानवर से एक इंसान बनाया, मेरे को सिखाया है कि भाई दुनिया कैसे देखी जाती है, मतलब दुनिया जीने का तरीका बताया मेरे बड़े भाई ने, जिनका नाम विशाल नेहरिया है, जो कि अभी के टाइम मतलब फॉर्मर MLA रह चुके हैं धर्मशाला के, वो मेरे बड़े भी हैं। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी कुछ सिखाया है कि भाई मतलब जितने भी मैं सोशल वर्क करता हूँ ना, जितने भी सोशल काम करता हूँ, तो वो सारी मैंने इंस्पिरेशन
अपने बड़े भाई से लिए कि किस तरीके से मतलब लोगों की मदद करनी चाहिए। और भाई मैं लिटरली प्राउड करता हूँ कि मेरा भाई मतलब विशाल ले रहे मेरे बड़े भैया, और मैं लिटरली प्राउड करता हूँ। अभी के टाइम भैया का नाम भी चल रहा है एमपी, जो एमपी लोकसभा इलेक्शन है बीजेपी की लिस्ट में, उनका नाम भी चल रहा है पैनल में, उनका नाम भी गया दिल्ली में। तो होप करते हैं भैया को टिकट मिल जाए एमपी की इलेक्शंस की। फिर साथ ही साथ हम और ब्लॉग्स दिखाएंगे अपने वीडियो के जरिए कि मतलब किस तरीके से अगर भैया को टिकट मिल गई एमपी की, मतलब होप तो मेरा फुल है, मतलब पूरी माता रानी की प्रेयर रहेगी कि भैया को मतलब टिकट मिल जाए, क्योंकि भैया ने काफ़ी मेहनत की। मैं खुद देखता था जब मतलब भैया कुछ भी नहीं थे ना, तो रात को 2-2 बजे आते थे, मतलब संगठन का काम होता था और अपनी मतलब पार्टी का काम कर करके रात को 2-2 बजे आते थे। और काफ़ी कम एज में एक एमएलए बना एक छोटी बात नहीं है, काफ़ी कम एज में मेरे भाई एमएलए बने थे, विधानसभा में गए थे, यंगेस्ट एमएलए थे उस टाइम विधानसभा के। और अभी के टाइम एमपी के लिए नाम जाना एक बहुत बड़ी बात है, बेशक टिकट मिले या ना मिले, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि एक छोटे से शहर से निकल के, एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली से निकल के भाई एमपी तक नाम गया है, मतलब दिल्ली तक नाम गया मोदी जी के सामने। तो होप करता हूँ अगर भैया को टिकट मिल गई तो फिर तब से फिर मैं और व्लॉग्स डालूंगा मतलब इसके से रिगार्डिंग, और ट्राई करूंगा भाई अब से मैं 2-2, 3-3 दिन के गैप में व्लॉग्स डालूं और अपने भाई को दिखाऊं कि मतलब किस तरीके से मतलब आपको मतलब पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, मेरे को पता है काफ़ी लोगों को मेरे मतलब ऑडियंस में से पॉलिटिकल कंटेंट में इंटरेस्ट है, तो मैं दिखाऊंगा किस तरीके से इलेक्शन लड़ा जाता है अगर मेरे भैया को टिकट मिल जाए। तो होप करता हूं भाई मतलब आप भी प्रे करो भाई भाई को टिकट मिल जाए। तो यही थी आज की वीडियो, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मतलब वीडियो आज की पसंद आई होगी। मैंने इसलिए आज के वीडियो में सोचा बड़ी थोड़ी बहुत बात कर लेता, क्योंकि काफ़ी टाइम से यार मैं काफ़ी ज़्यादा इतना ज़्यादा डिप्रेस चल रहा था, इतना ज़्यादा मतलब परेशान चल रहा था अपने यूट्यूब चैनल से रिगार्डिंग जो लोगों ने मेरे साथ दोगलापंती की है, जो लोग मेरे बारे में सोचते हैं। तो मैंने सोचा था कि आज की वीडियो में सब कुछ क्लियर करूँगा, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप सबसे, प्रॉमिस करता हूँ आपसे इतने अच्छे ब्लॉग्स डालूंगा, आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी मेरी तरफ से, और कभी भी लेट नहीं होगा मेरे ब्लॉग्स। लिटरली लास्ट बार मेरे को चांस दे दो कि अब से मैं ट्राई करूँगा अपना आलस जो है ना वो दूर करना है, क्योंकि मेहनत की है भाई, इतने आगे तक पहुंचो, इतने आगे आके हार नहीं मानना चाहता। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो ठीक है दोस्तों, टेक केयर एंड बाय बाय। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब से बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले मेरे यूट्यूब चैनल में। और साथ ही साथ आज की वीडियो में कमेंट भी कर देना, जिन्होंने वीडियो एंड तक देखी है तो एक बार प्लीज़ अपना कमेंट कर देना, और यह भी बता देना आप कहाँ से बिलोंग करते हो। बाकी टेक केयर, जय श्री राम, राधे राधे।